सभी साथियों को नमस्कार दोस्तों, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आप अपनी कोई भी बात, प्रॉब्लम, डिमांड या समस्या को किसी भी अधिकारी, विधायक, मंत्री, सांसद, पीएम, सीएम सभी तक मात्र एक क्लिक में, वो भी एक सेकेंड में पहुंचा सकते हैं। और जब किसी भी बात को आप एक साथ यूनिटी में करते हैं तो उस पर बहुत जल्दी सुनवाई होती है। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप YouTube के माध्यम से हो, Twitter के माध्यम से हो, अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज हम मेल के माध्यम से कैसे पहुंचाएंगे, तो विशेष करके ये जो वीडियो है वह गेस्ट टीचर्स के लिए है। गेस्ट टीचर अपनी डिमांड को कैसे पहुंचा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अपने मेल में आ चुका हूँ। और आप अपना कोई भी जीमेल ओपन कर लीजिए, जो भी आपके फ़ोन में है। जीमेल जैसे ओपन करते हैं तो पर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको एक कंपोज का ऑप्शन मिलेगा, कंपोज का, जिस पे पेन का निशान बना हुआ है। ठीक है, आपने इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है ताकि सभी लोगों तक जल्दी जल्दी मैसेज पहुँच जाए। आप कंपोज पर क्लिक करते ही आपके पास जो है मेल आ जाता है। तो जो भी आपका मेल है वो सामने स्क्रीन पे आ गया है। तो मैं थोड़ा सा इसे यहाँ से एक बार आपको क्लियर करने के लिए इसे बैक कर देता हूँ और ये मैंने यहाँ से हटा दिया है। ठीक, अब ऊपर जो है आपको तीन चार ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर अपनी ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, जो मैंने यहाँ पर फ़िलहाल उसे हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी दिखाई देगी। आप अपने खुद के मेल से अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के और सभी परिवार में जितने मेम्बर हैं उन सभी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना टू, यानी कि आप किसे भेजना चाह रहे हैं। तो आप वन बाई वन भी सेंड कर सकते हैं और आप मल्टीपल एक ही साथ सभी को कर सकते हैं, मतलब आप जिन जिन को भी करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट डालना है, मतलब क्या आपका टॉपिक है, क्या डिमांड है वो, और जो भी आपका पूरा मैसेज है, यानी कि आप अपनी पूरी बात को यहाँ पर कंपोज मेल में लिख देंगे। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ, तो सब्जेक्ट भी मैंने कॉपी कर रखा है। मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ से कर दिया, इसे कॉपी कर दिया। ठीक है, चलिए कॉपी कर दिया है और एक बार कॉपी में मेल देख लो। दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर्स और उनके परिवारों का विनम्र अनुरोध है। ठीक है, दिल्ली में जितने 22,000 गेस्ट टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं तो अपनी बात को इस तरह से रख सकते हैं, या कोई भी आप पेरेंट्स हो, किसी तक भी आप मतलब ये पहुंचा सकते हैं। अब हमने मेल जो है ना एक साथ कॉपी कर रखे, मतलब पीएम को, सीएम को, जो भी जितने भी विधायक, सांसद वगैरह हैं सभी को, शिक्षा मंत्री हो चाहे वो, सभी को कर रखा। तो चलिए मैं एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपको भी ये कॉपी कहाँ से करना है मैं आपको बता दूँगा। और मैंने कॉपी कर ली है, अब मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसे यहाँ पे एक बार टिक कर दिया। टिक करते ये सारे मेल हैं और ये एक साथ जो है यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से किस किस को भेजे मेल। तो ऊपर सबके नाम आ रहे हैं, मतलब कुछ तो यहाँ पर आपको विजिबल हो रहे हैं। ये देखिए सारे जितने भी कॉपी किए वो सारे यहाँ पर विजिबल हो चुके हैं और आपको भी इसी तरह से दिखाई देंगे। मतलब सभी मंत्रियों को, सारे विधायक, सांसद सबको हमने ये मेल कर दिया है। मतलब यहाँ पर मेल जो है वो हाईलाइट आपको दिख रहे हैं। आप भी अपनी हर एक छोटी और बड़ी बात को, डिमांड को यहाँ पर रख सकते हैं। ध्यान रखना, एक मेल का असर थोड़ा सा उसी लेवल पे होता है, लेकिन जब आप मल्टीपल इतने सारे सभी 22,000 परिवार जब मेल करेंगे ना तो एक्शन में आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये मेल कर दिया है और उसी के साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो सारे के सारे मेल हो गए भाई, सारे के सारे मेल हो गए, विजिबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनको कॉपी करके एक क्लिक में हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है, नीचे कंपोज मेल, ये देखिए अब आपको यहाँ पर कंपोज मेल पे आएगा। ये भी हमने पहले से टाइप कर रखा है और आप भी टाइप करके रखे अपने पास में। ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले से इसे कॉपी किया हुआ है और आप चाहे तो बहुत सारे गेस्ट टीचर्स के ग्रुप में भी ये मैसेज मेल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको हमसे लेना है तो मैंने अपने इसे व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल का, आप वहाँ से इस मैसेज को कॉपी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर दिया हमने यहाँ से। और कॉपी करना कैसे करते भाई, लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ से कॉपी, ये तो आम बात हो गया है आज। और मैं फिर से मेल पर चला जाता हूँ। चलिए फिर से मैं उसी पेज पर आ गया हूँ जहाँ पर मैंने मेल किया हुआ था। और हम नीचे जाते हैं और यहाँ पर जो है वो कंपोज मेल पे हमने क्लिक करना है। और यहाँ पर कंपोज मेल का ऑप्शन आपको दिख रहा है और सिंपली हमने जो मैसेज टाइप किया हुआ है यहाँ पर इसे कर देते हैं पेस्ट। एक बार ये थोड़ा सा पेस्ट यहाँ पे हमने कर दिया और थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि लंबा चौड़ा मैसेज है, तो इसे पेस्ट होने में लगेगा टाइम। फाइनली ये पेस्ट हो चुका है और अब आपका पूरा मटेरियल भी यहाँ पर है।
ये तो गेस्ट टीचर्स के रिगार्डिंग है, तो आपका जो भी मतलब डिपार्टमेंट है और जो भी आपका मैटर है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी आपको मतलब आप किस स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, आप किस भी आप पे कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पर हमने उसके बाद क्या करना है, ऊपर एक ऑप्शन मिलता है आपको, ये सेंड का ऑप्शन, तो ये तीर का ऑप्शन है, यानी कि तीर की तरह से आपने इसे सेंड कर देना। चलिए मैंने यहाँ पर इसे क्लिक कर दिया है और दिस ईमेल एड्रेस इनवैलिड। अच्छा कुछ यहाँ पर इनवैलिड भी है तो एक बार उनको हम चेक कर लेते हैं, और आप भी सारे जो मेल हैं वो चेक कर लीजिए, देखते हैं भाई शायद सेंड हो जाना चाहिए। और यहाँ पर फिर से कुछ इनवैलिड मेल आईडी आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम इन्हें हटा देते हैं और इन्हें, तो होप सब कुछ ठीक हो गया होगा। हम यहाँ पर सेंड पे क्लिक करते हैं और फाइनली जो है हमारा वो सब कुछ सेंड हो गया है। और यहाँ से मेल जो है एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको, और यहाँ पर मैं सेंड आइटम पे क्लिक आ चुका हूँ। आप भी अपने जो है थ्री डॉट में जा कर के, और आप यहाँ पर जो है अपने सभी मेल चेक कर सकते हैं। तो जो भी आपका है वो यहाँ से हमने सेंड आइटम पे क्लिक किया है, तो ये सेंड आइटम है जो भी आपने सेंड किए हैं। और फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में आपको जो है वो मनोज तिवारी जी का नाम आपके दिखाई दे रहा है। देखो मनोज तिवारी है, यानी कि हर्षदीप, हाँ हर्षदीप वगैरह, तो जो भी है मतलब आपको यहाँ पे सारे वो यहाँ से सेंड हो चुके हैं। और आप भी ये मुहिम में ज़रूर शामिल होइए, और जिससे कि आपका जो भी मुहिम है वो सक्सेसफुल हो। और आप बाकी आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपका ओपिनियन है, सजेशन है, वो भी आप कमेंट में ज़रूर रखें। लेकिन हाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा गेस्ट टीचर्स के रिगार्डिंग, कि जो भी डिमांड है या जो भी, चाहे रिलीफ गेस्ट टीचर्स के लिए, चाहे सैलरी बढ़ने को लेकर के, चाहे पॉलिसी को लेकर के, क्योंकि अदर राज्यों में जो है वो पॉलिसी बन चुके हैं भाई, हरियाणा में बन गया है, यूपी में बन गए हैं, और कई सारे और भी राज्यों में गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी बन गई है। दिल्ली में क्यों नहीं बन रही है, इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी एक मुहिम चलाई जाती है और जिसे जो चलाता है वही एक्टिव रहता है, बाकी सारे जो है उसका विरोध करने लग जाते हैं। साथियों विरोध नहीं करना है, और अब समय है आप अपनी बात को बढ़िया तरीके से डिपार्टमेंट तक रख सकते हैं। एंड ये एक ऑप्शन है, एक साथ जब बल्क में मैसेज पहुंचते हैं, मेल पहुंचते हैं, ट्विटर हो, चाहे ट्विटर पे अभियान चलाइए, चाहे ट्विटर हो, चाहे मेल हो, चाहे आप सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखोगे, बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी आपको, तो जहाँ पर कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। और जब किसी भी बात को एकजुट होकर के और संगठित होकर के किया जाता है ना, तो वो काम सफल हो जाता है। अब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव के समय तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है मैटर। क्या सजेशन है, क्या ओपिनियन है, क्या राय है, और क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो कमेंट में आप ज़रूर करिए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर एक गेस्ट टीचर तक पहुँचाइए, ताकि ये जो मुहिम है वो सफल हो और जो भी डिमांड्स है वो मानी जाए। धन्यवाद।